हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ चने दाल की पकौड़े की रेसिपी, जो कि कम ही सामान में यह बहुत ही टेस्टी बनती है। जो आपके घर में सामान है जिसे ये बन जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कप चना दाल लेंगे। चना का दाल के पकौड़े बताऊँगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। किसी भी दाल का आप बनाए तो चना का दाल का आपका अलग ही टेस्ट लगेगा। तो चना का दाल का हम पकौड़े बनाएंगे। तो एक कप चना का दाल लेंगे, इसे धो के अच्छी तरह से भिगो के रखना है। देखिए, मैंने दाल को अच्छे से धो के इसे भिगो दिया है। आप 3 घंटे के भिगो के रखिए, ये फूल जाएगा। देख सकते हैं दाल फूल गया है। आप इस तरह से तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देख पा रहे। तो इस तरह से अगर आप इसे ज़्यादा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 घंटा के जगह अगर 5 घंटा 6 घंटा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम टाइम के लिए 3 घंटा ज़रूर रखें। अब इसे हमें दरदरा पीसना है। पहले हम धो लेंगे, उसके बाद इस्तेमाल में लेंगे। देख सकते हैं इस तरह का दरदरा हम पीसेंगे। बीच में अगर जो थोड़ा दाना हो तो उसे भी एक बार चला लें। ये जो थोड़ी साबुत साबुत दाना है ये सब रहेगी, तो हमें इस तरह का चाहिए बेटा। देख सकते हैं ये मेरा छोटा जार है, तो मैं छोटा जार में कर रही हूँ। आप बड़ा जार में एक बार में कर सकते हैं पूरे का। दाल का पेस्ट हमने कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है। इस तरह से लंबे पीसेस में हमें काट लेने हैं। और यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च ली है और मैं मिर्च पाउडर डालूंगी। तीखा आप स्वाद अनुसार लें। तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और हल्दी ले रही हूँ, क्योंकि दाल वैसे ही पीला होता है, इसीलिए मैंने हल्दी कम लिया है। नमक लेंगे स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच। अब हमें ये सभी को मिक्स कर देना है। इस तरह से मिक्स करेंगे तो प्याज खुल जाएगी। घर के ही सामानों से बहुत ही ये टेस्टी पकौड़ा बनता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। अब इसमें एक ख़ास चीज़ डालेंगे जो कि और टेस्टी बनाएगा दाल के पकौड़े को। तो इसमें डालेंगे धनिया के पत्ती, जो डंडी भी होती है, मैंने डंडी को भी ले लिया है और थोड़ी बड़ी बड़ी काट ली है। ये पूरा डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। जब प्याज थोड़ी नरम हो जाएगी तब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। अब मैं 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। इसे फिर से अच्छे से हमें मिक्स करना है। मैं 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। इसे अच्छे से हमें फिर से मिक्स करना है। पहले से प्याज थोड़ी नरम हो गई है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेकर डालेंगे तेल में। तो तेल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रखा है। मैं यहाँ पर सरसों तेल से बना रही हूँ, क्योंकि मैं चने की दाल की पकौड़ा सरसों के तेल में बनाती हूँ और वैसे तो रिफाइंड तेल यूज़ करती हूँ। तो आपको जैसे ठीक लगे, जो तेल खाते हो उसी में बनाएं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें डालना है। मैंने पहले हाई पर रखा था, अब मैं मीडियम पर बना रही हूँ। डालने के बाद हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है इसे। मैं इसे 2 बार में फ्राई करूँगी। इस तरह से पीछे की तरफ चेक करेंगे, अभी हुआ नहीं है। जब हल्की गोल्डन कलर आ जाए तब हमें पलटना है। अब इसे हमें पलट देना है। ये करीब 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाता है। अब दूसरी तरफ भी देखेंगे, दूसरी तरफ भी अब हो गया है। तो इसे उलट पलट कर तो इस तरह से फिर से पलट लेंगे। अब हम निकाल लेंगे। जब भी निकालें टिश्यू पेपर पर निकालें या कोई
कॉटन कपड़ा पर निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो टिश्यू पेपर या कपड़े में निकल आए। अब हमें दूसरी तरफ पलट देना है। अब दूसरी तरफ भी देखेंगे, दूसरी तरफ भी हो गया है। इस तरह से फिर से पलट देंगे। अब ये हो गया है तो इसे हमें निकालना है। हमारा पकौड़ा बनके तैयार है।